नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश में डर का माहौल है, युवा किसान सब डरे हुए हैं, चक्रव्यूह बनाकर डराए जा रहा है, ये सारी बातें कही हैं। राहुल गांधी के बयान पर बिहार में भी बयानबाजी तेज हो गई है। जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था वही हिंदुस्तान के साथ किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब भी बोलते हैं कुछ न कुछ बखेड़ा जरूर खड़ा हो जाता है। कुछ दिनों पहले हिंदुओं पर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर खूब बयानबाजी हुई। अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसके बाद सियासत गरमा गई है। राहुल ने सदन में बोलते हुए कहा कि देश में डर का माहौल है, युवा किसान सब डरे हुए हैं, चक्रव्यूह बनाकर डराया जा रहा है। चक्रव्यूह कमल के आकार का है, ये 21वीं सदी का नया चक्रव्यूह है। चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है जानते हो आप? चेयर को एड्रेस मैं बताता हूं सर, शिव की बारात होती है सर। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। जहां भी आपको मौका मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। राहुल गांधी के बयान पर बिहार में भी बयानबाजी हो रही है। एनडीए के नेताओं ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। आज देश में नफरत फैलाने का काम टुकड़े टुकड़े गैंग और राहुल गांधी कर रहे हैं। तो डरा हुआ देश होगा और सहमा हुआ देश होगा तो उसकी अर्थव्यवस्था बड़ी कैसे होती जाएगी। तो हमको लगता है कि अब इस तरह के बयान का कोई सदन में औचित्य नहीं है। कमल चक्रव्यूह दिख रहा है, लोगों को डराया जा रहा है। 21वीं सदी का चक्रव्यूह है, बिल्कुल ये कमल का ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें आपके जैसे परिवारवादी और भ्रष्टाचारी फंस के अपनी दम तोड़ देते हैं, जेल जाते हैं। तो वहीं महागठबंधन ने राहुल गांधी के बयान का बचाव करते हुए बीजेपी पर पलटवार किया। बिल्कुल सच्ची बात है, आप किसानों को ही ले लीजिए। आप देखिए भारत में सबसे बड़ी आबादी किसानों की है, किसी भी फसल का MSP नहीं तय किया गया और पूरा भारत को ये लोग महंगाई के गोद में बैठा करके रख दिए। तो झांसा तो जरूर दे रहे हैं और कमल के चक्रव्यूह में तो हमारा देश फंसता जा रहा है। संभलने की जरूरत है लोगों को। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, ऐसे में सरकार पर निशाना साधना उनका अधिकार है। लेकिन कई बार राहुल बोलते बोलते कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं जिस पर विवाद खड़ा हो जाता है, उन पर ही सवाल खड़े होने लगते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और दिल्ली